7 केस स्टडीज ऑलरेडी चैनल पे हैं, यू कैन वॉच इट इफ यू हैव नॉट येट, बिकॉज ईच केस स्टडी सेपरेट कंसेप्चुअली डिस्कस की गई है, साथ साथ आपकी कंप्लीट अच्छे से केस स्टडीज भी हो जाएंगी एंड कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे इसमें कवर होने वाले हैं। चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम करते हैं अपनी केस स्टडी स्टार्ट। क्या कह रहा है गणेश फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो क्या हो गया, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, अ रजिस्टर्ड सप्लायर। गणेश फ्लोर मिल्स क्या है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर द जीएसटी एंड मंथली रिटर्न फाइलर। मंथली मतलब वो नॉर्मल उसमें रजिस्टर्ड है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में। अभी तक हमें क्या पता चला, गणेश फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर द इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या काम करती है ये फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रही है विद इन द प्लांट प्रिमाइस। प्लांट प्रिमाइस के अंदर इसका स्टॉक यार्ड है, मतलब अपने प्लांट में इसने स्टॉक रखा हुआ है एंड ऑफिस है एंड अ फ्यू रेजिडेंशियल क्वार्टर भी है जहां पे इसके एम्प्लॉइज रह सकते हैं। मतलब फूड प्रोसेसिंग का काम कर रही है, प्लांट के अंदर ही स्टॉक का यार्ड भी बनाया गया है एंड वहां पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बनाए गए, सो दैट जो भी एम्प्लॉइज इनके पास काम करें उनको रेजिडेंशियल अवेलेबल कराए जा सके। आफ्टर परचेजिंग द वीट फ्रॉम द लोकल मार्केट या मंडी, लोकल मंडी से ये कनक जो इसको वीट बोलते हैं वो वीट खरीदते हैं। द कंपनी ने इसको प्रोसेस करती है, पैक करती है, फिर सेल कर देती है फिनिश प्रोडक्ट। वीट खरीद के प्रोसेस करके पैक करके देन सेल कर देती है, कैसे, सच एज आटा मैदा सूजी। इन 1 kg का पैक है इनके पास, 5 kg का पैक है, 10 kg का पैक है अंडर द ब्रांड नेम। किस ब्रांड नेम में बेचते हैं ये, गणेश भोग के नाम से इनका ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम पे ये बेचते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना था, 7.5 crore टर्नओवर था। मतलब जो बेसिक लिमिट दी हुई है हमें 20/10/40 की, उससे एक्सीड कर रहा है। उसके बाद सितंबर की हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन हमें गिवन है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे पहले दिया हुआ है सेल ऑफ गणेश भोग आटा, गणेश भोग आटा मैदा सूजी का सेल टोटल कितना हुआ है, 60 lakh rupees का सेल हुआ है, 60 lakh rupees का सेल हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला है नोट नंबर 2 रेफर कीजिए, नोट नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द सेल्स, जितनी भी 60 lakh की हमने सेल्स करी है आटा, जो थी 3,50,000 का आटा डिपार्टमेंट को दिया गया है, किसको दिया गया है, डिपार्टमेंट को दिया गया है, वेस्ट बंगाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया, ताकि जो COVID-19 से अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको बंटवाया जा सके। 60 lakh का टोटल हमें सेल दिया हुआ है, उसके अंदर 3,50,000 का आटा ऐसा है जो कि COVID-19 अफेक्टेड फैमिलीज को दिया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है दिया जाएगा, वो जहां मर्जी बांटे, हमारी तरफ से हो गई सेल। अब आ जाता है मेन पॉइंट, सब्सिडी मिली है 10 rupees की, 10 rupees की सब्सिडी मिली है विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिली है, वो कह रहे जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला गया है, मतलब वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला गया है। यहां से आपको माइंड में आना चाहिए सेक्शन नंबर 15 में क्या बोला था, सेक्शन नंबर 15 में बोला था इनकेस आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है, उसको तो हमने प्राइस में इंक्लूड करना ही नहीं है। अदर देन सेंट्रल या स्टेट से मिलती है तो भी हमें तब इंक्लूड करना है अगर वो प्राइस को इम्पैक्ट डाल रही है। अब सेंट्रल स्टेट की है तो उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी कैलकुलेशन हम लगे हाथ कर लेते हैं, वैल्यू सप्लाई इसकी कैसे निकलेगी, देखो 60 lakh की टोटल क्या थी, 60 lakh की वैल्यू सप्लाई थी, 60 lakh की टोटल थी, जिसमें से 3,50,000 COVID-19 वाली फैमिलीज को बांटा गया, जो मतलब नॉर्मल बांटा गया वो कितना बांटा गया, नॉर्मल जो बांटा गया वो कितना बांटा गया, 56,50,000 की जो नॉर्मल बांटी गई है वो बांटी गई है। अब आ जाओ 56,50,000 की नॉर्मल बांटी गई है, अब वो क्या कह रहा है, 10 rupees per kg हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो ऑब्वियस ही बात है वो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। 10 rupees per kg दिया है और कितने केजी आपने गवर्नमेंट को, कितने केजी COVID-19 फैमिलीज को बांटा है, 10,000 kg, तो कितना हो गया, 1 lakh rupees उसमें से हटा देना है। टोटल 3,50,000 का माल बांटा गया है COVID-19 वाली फैमिली को, वो हमने हटा दिया, अब
या तो आप ऐसे कर सकते हो, एड ऑन कितना करोगे, देखो 35 रुपीज का पड़ रहा है ये, 35 रुपीज में से 10 रुपीज वाला हमने हटा देना है क्योंकि वो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई है, तो 25 वाला एड ऑन करना है, 25 रुपीज 10,000 मतलब 2,50,000 आप इसमें एड ऑन करेंगे, 2,50,000 प्लस 2,50,000 एड ऑन करेंगे, 59 लाख की इसकी वैल्यू बन गई। अब सिंपल सी बात, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है, सिंपल सी बात, 60 लाख रुपीज की सेल थी, 60 लाख रुपीज की टोटल सेल थी जिसके अंदर 3,50,000 COVID-19 फैमिलीज को बांटा गया है, कोई बात नहीं, वो तो हमें रखना ही है इंक्लूडेड, बट हमें हटाना क्या है, हमें हटाना है जो सब्सिडी मिली है। सब्सिडी कितनी मिली है, सब्सिडी मिल रही है 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, सब्सिडी कितनी मिली है 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और 10,000 केजी हमने बेचा है। सिंपल सिंपल आप 60 लाख में से 1 लाख रुपीज माइनस कर दो क्योंकि वो सब्सिडी के नाम का है, वो हमने एड ऑन नहीं करना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कैसे करके दिखाया, सबसे पहले मैंने उसका इम्पैक्ट हटा दिया, उसका इम्पैक्ट हटा दिया, फिर इसका नेट प्राइस करके मैंने एड ऑन कर दिया। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, टोटल प्राइस में से सिर्फ जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला प्राइस है हमने वो रिमूव करना है, अल्टीमेटली 59 लाख रुपीज की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है परचेज ऑफ व्हीट फ्रॉम मंडी, मंडी से व्हीट परचेज की है। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, जो कि वीट का ट्रांसपोर्ट है, वीट का ट्रांसपोर्ट वैसे भी एग्जम्प्ट होता है, वीट का ट्रांसपोर्ट वैसे भी एग्जम्प्ट है, तो आरसीएम वगैरह की कोई बात नहीं आएगी। नोट जीटीए से ट्रांसपोर्ट कराया है तो भी आरसीएम की कोई बात नहीं आएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर आ रहा है रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल क्वार्टर, ये पॉइंट हर उसमें आ रही है केस स्टडी में, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव हो रहा है दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव हो रहा है देन दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड टू द वेस्ट बेंगोल, ये हमें दिया हुआ है। अब आ जाता है एक और पॉइंट, बिल रेज बाय मेसर्स बीआईएस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज, किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात हो रही है, सिक्योरिटी सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ये जहां भी आएंगी आपने आरसीएम की कंडीशन चेक करनी है, ये जहां भी आएंगी आपने आरसीएम की कंडीशन चेक करनी है। अब देखो सिक्योरिटी सर्विस में आपको याद होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई दे रहा है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम में आएगा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, इनकेस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम आएगा। चेक करते हैं यहाँ पे देने वाला कौन है, बीआईएस सिक्योरिटी, बीआईएस सिक्योरिटी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और हम क्या थे यहाँ पे, रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये आरसीएम में आ जाएगा, ये आरसीएम में आ जाएगा। और इसके रिगार्डिंग एक नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 1, चलिए देखते हैं नोट नंबर 1 क्या कह रहा है। नोट नंबर 1 बोल रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज रेज बाय मेसर्स बीआईएस सिक्योरिटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हम ये पॉइंट अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। 1,18,000 कैलकुलेट कर लो, 1,18,000 जो है इसके अंदर 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए, डिवाइड बाय 118 into 100, मतलब 1,00,000 की वैल्यू है ये, ये कितनी वैल्यू है, 1,00,000 की वैल्यू है। फिर आ जाओ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से डिले पेमेंट का इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, एफडी पे इंटरेस्ट मिला, एग्जम्प्ट होता है ये सब। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है पेमेंट टू इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कौन सी सर्विसेज हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं। मैंने आपको बोला सिक्योरिटी सर्विस जहां भी आएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस जहां भी आएगा, इस बात को याद रख लेना। सिक्योरिटी सर्विस में क्या होता है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर, लेकिन लेकिन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या होता है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम में टैक्सेबल होगी। कोई भी पर्सन
बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, ये जो देने वाला है वो कोई भी पर्सन है, हमें पर्सन मतलब नहीं है, लेने वाला कौन है, हम बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो ये भी आरसीएम में आ जाएगा, तो ये भी आरसीएम में 25,000 आ जाएगा। फिर आ जाओ लीगल फीस पेड टू एडवोकेट मिस्टर अशोक गांगुली। लीगल फीस के बारे में मैंने आपको बताया था, लीगल फीस के पे कर आरसीएम में वो तब चार्ज होता है, हमने ये नहीं देखना हम रजिस्टर्ड है या नहीं, हमने देखना है प्रीसीडिंग ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर, अगर बेसिक से क्रॉस है तो आरसीएम यहाँ पे करोड़ में थी, इट मींस वो क्रॉस कर रही है, तो ये भी हमारा आरसीएम में 30,000 आ जाएगा, आरसीएम में 30,000 आ जाएगा। लाइसेंस फी पे टू फूड सिक्योरिटी, ऐसा कुछ हमने आरसीएम का कुछ भी पढ़ा नहीं है पॉइंट। फिर ये फर्स्ट टू पॉइंट हमारे हो गए, ऊपर कुछ तो नहीं है, नहीं है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, बाकी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर हम फटाफट से जंप करेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ। पॉइंट नंबर थ्री क्या कह रहा है, कंपनी हैड अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है टू पावर इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ऑन 10 जून फॉर रिपेयर ऑफ डीजी सेट इंस्टॉल इन द फैक्ट्री। 10 जून को फैक्ट्री में इंस्टॉल किया गया है, कंप्लीशन से 30 दिन के अंदर अंदर। सिंपल सी बात है, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट आने वाला है। मेंटेनेंस क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, आपके माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए। अगर सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया जाता है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं किया जाता 30 दिन के अंदर अंदर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलिए हमें ये चीजें ढूंढनी है, तीन चीजें। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ सर्विस कब था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब किया गया, देखते हैं। चलो सर्विस कब की है, सर्विस की गई है, मेंटेनेंस वर्क कब किया गया है, 8 जुलाई को किया गया है। इनवॉइस कब इशू किया गया है, 5 सितंबर को। उसके बाद पेमेंट कब की गई है, 15 सितंबर को। सबसे पहले क्या देखना है, क्या जो इनवॉइस है सर्विस के 30 डेज के अंदर अंदर है, नहीं, 8 जुलाई से 8 अगस्त से तो सितंबर में जा रहा है, तो मतलब डेट ऑफ इनवॉइस हमारे लिए काम का नहीं है, डेट ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल कम एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हुआ तो हमारा आंसर होना चाहिए 8th of July। क्या होना चाहिए 8th of July, मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, अगर 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू किया है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर सर्विस से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया गया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हमारा पेमेंट से पहले है, तो डेट ऑफ सर्विस हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर आ जाओ, द कंपनी हैड बीन लेविड अ पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बाय प्रॉपर ऑफिसर, फॉर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बाय द प्रॉपर ऑफिसर। फिर आ जाता है, कंपनी हैड डिपॉजिटेड द टैक्स लायबिलिटी, कंपनी ने जो टैक्स लायबिलिटी थी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ऑब्वियस ही बात है अगस्त मंथ की कब जमा करवानी चाहिए, टिल 20th September, इन्होंने कब जमा करवाई है, 28th September, मतलब डिले करवाया है। हो सकता है कोई क्वेश्चन इंटरेस्ट का पूछ ले, बाकी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी चलते हैं हम क्वेश्चंस में, देख लेते हैं हम क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ एमसीक्यू नंबर वन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। एमसीक्यू नंबर वन पूछ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में आउटवर्ड सप्लाई, एक तो हमने कैलकुलेट किया था 59 लाख, एक ही था, देख लेते हैं और कुछ तो कलेक्ट नहीं किया इन्होंने कस्टमर से, 59 लाख हमने निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो पॉइंट, 59 लाख हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, ये सब पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, ये आ गया। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ऑन डिले पेमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। आपने अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको याद होगा, हम उसमें ऐड तो कर देते हैं, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का कब बनता है, जब हमें इंटरेस्ट मिलता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट ऐड कर देते हैं, बट टाइम ऑफ सप्लाई कब बनता है, जब एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव
हो रहा है। 59 लाख हमने 59 लाख हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, उसके अंदर 3500 और ऐड कर दो, 5903500, बाकी सब पेमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ रिसीव यही हो रहा था, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 5903500 के आंसर में है, ऑप्शन में बिल्कुल है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द 8.1 5903500। अब आ जाओ 8.2 पे। 8.2 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय कंपनी, मतलब इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है जिसपे सितंबर में आरसीएम लगेगा। हमने बहुत इजी कर लिया, हमने आरसीएम वाला ऑलरेडी साइड पे लिख लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मिलता ही है। 1 लाख एक था आरसीएम का, ऐड करो 1 लाख रुपीज प्लस 25,000 था स्पॉन्सरशिप का और 30,000 था एडवोकेट का, 1,55,000 इज द अमाउंट फॉर आरसीएम में जो टैक्सेबल होनी है। ए पॉइंट इज द आंसर फॉर दैट, 1,55,000 इज आर आंसर फॉर द आरसीएम, 1,55,000 इज द आंसर फॉर द आरसीएम। फिर आ जाओ 8.3 क्या कह रहा है, 8.3 हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ये हम निकाल चुके हैं 8 जुलाई ऑलरेडी, आई होप आपको लर्न होगा। नहीं, आप अगर क्वेश्चन भी ध्यान से कर रहे हो तो आंसर आप देख रहे होगे, हमारे ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। सो यू हैव टू डू फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो जो क्वेश्चन में आ रहे हैं, यही कंसेप्ट आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय द कंपनी, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है अंडर सेक्शन 50 में क्या होता है इंटरेस्ट पे कर रही है। हमने आई थिंक एक इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था, क्या पॉइंट था, कंपनी ने 8 दिन लेट पेमेंट की है, कितनी अमाउंट पे लेट पेमेंट करी है, देखो 3,30,730 रुपए, 3,30,730 रुपीज पे 8 दिन की लेट पेमेंट है। इंटरेस्ट कितना लगता है डिले पेमेंट पे, 18%, 3,30,730 पे 18% लगाओ, ये आ रहा है 59531, इसको 8 डेज का करो, इनटू 8 डिवाइड बाय 365, 1304.79, मतलब राउंड ऑफ करके 1305 रुपीज आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 1305 रुपए यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट रहेगा, देख के इसको बराबर से फिनिश करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्पोर्ट